थोड़ा कम पूछा जाता, परंतु पढ़ना आपको स्वतः है। एक्चुअली बहुत सारे नाम तो आपके दिमाग में एक बार सुना होगा, लेकिन आप बचपन से आज भी नाम याद गूंज रहा होगा, लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप भूल जाते हैं बार बार। तो जो चलो स्टार्ट करें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, यार इसका फ्रंट पेज तो ऐसा हो गया, फ्रंट पेज तो ब्लैक होता है ना इसका, तो आपका ड्रॉपर बैच। इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ की केमिस्ट्री, डेली लाइफ में केमिस्ट्री क्या है यार, क्या बताऊं, कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस वो जो कंपाउंड्स उसको यूज करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आप जान लीजिए, जैसे ड्रग्स, डॉक्टर तो आप खुद ही बनने वाले, ड्रग्स जो होता है, व्हाट इज ड्रग्स, हमारे मतलब बहुत है, लो मॉलिक्यूलर मास के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो पॉलीमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो चेंजेस लाते हैं, मतलब बॉडी में कोई चेंजेस लाते हैं, उन्हें ड्रग्स कहा जाता है। ये ड्रग्स अगर हमारे थेरेप्यूटिक यूज का हो, थेरेप्यूटिक मतलब हम बीमारी को ठीक करें, रिपेयर करें चीजों को, ठीक है, पॉजिटिव अगर इसका इंप्रेशन हो तो उसे कहते हैं मेडिसिन, क्या कहते हैं उसे हम लोग बाद में फ्यूचर में, मेडिसिन के नाम देते हैं आप लोग, ओके। ये आपने, ये मेरे ख्याल से इसके बारे में आप जानते हैं, क्या बताऊं इसमें, ये तो आप इससे अधिक तो आप मुझे बता देंगे, पता नहीं क्यों मुझसे पढ़ रहे हैं इसको, है ना, केमिस्ट्री इसमें थोड़ी ना। अब क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स का होता है वो कई बेसिस पर होता है, क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर होता है। हेलो, देखो, हेलो, आगे फ्यूचर में जब आप ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा, जो बी फार्मेसी करते हैं उनको ये डिटेल पढ़ाया जाता है, बी फार्मा जो होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, उनको ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है, हमें बस खाली नाम लिखना, एक हल्का सा आइडिया जानना है, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि हम बहुत डिटेल जान सकते। तो क्लासिफिकेशन जो ड्रग्स का मार्केट में होता है, जो क्लासिफिकेशन है, भाई बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, क्या इफेक्ट डालता है, समझ में आ गया, उसके आधार पर जो होता है फार्मेसी में क्या इफेक्ट होता है, फार्मेसी मतलब दवाइयों में इनके इफेक्ट के आधार पर एक क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स एक्शन, वो ड्रग कहां पे एक्शन करता है, ड्रग्स के एक्शन के बेसिस पे कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कहां पे अटैक करता है, वहां से क्या रिलीज होता है और फिर कैसे ट्रीटमेंट होता है वो। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, समझ आ गया कि कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कौन से स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, में सब में सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टर है, एमाइड है, अल्कोहल है, फिनॉल है, कैसे ग्रुप के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर होता है ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, मतलब ये किस मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं, जैसे आप कोई न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड डालते हैं बॉडी में, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड जाता है तो हमारे आरएनए के क्या करता है, मिलकर मल्टीप्लाई होता है, जो एड्स के दवाइयां यूज होती है थोड़ी बहुत, वो कौन सी दवाई यूज होती है, उसमें क्या करते हैं कि हमारा जो एड्स में एचआईवी वायरस, जो जिस न्यूक्लियोसाइड, जिस नाइट्रोजन बेस का प्रयोग करके वो बनता है, हम बाहर से कुछ और न्यूक्लियोसाइड को मिलाकर के बनाते हैं। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पर डिवीजन होता है, ठीक है। आगे ये थेरेप्यूटिक एक्शन, आप ये क्लासिफिकेशन है। अब ये क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ने जाएं तो सब एक एक दो दो, मतलब इन सबके बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, ये अलग बुक्स, ये अलग बुक्स, ये अलग बुक्स, ये अलग बुक, हमें सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें फार्मासिस्ट या हमें बी फार्मा यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं, जो बी फार्मा करते हैं उनको आगे पढ़ाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, इसमें कई पेजेस एनसीईआरटी के थे जो मैंने यहाँ से गायब कर दिए, जैसे इसका एक्शन कैसे, एंजाइम एक्शन कैसे होता है, या बायो वगैरह में आपने पढ़ा होगा, है ना, लॉक एंड की मॉडल के आधार पर क्या एंजाइम एक्शन करता है, पहले एंजाइम फिट होता है, फिर वो बॉन्ड की ब्रेकिंग करता है, कैटलाइज करता है, ये हमने नहीं जानना, नहीं जो जानना है सीधे सीधे वही बता रहे जो एग्जाम में आता है, यह थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, इनका ड्रग्स का यूज क्या होता है, बहुत सारे पर मैं मिनिमाइज करना चाहता हूं, एक बार एनसीईआरटी पूरा पढ़िएगा। एक तो होता है एंटासिड्स, एंटासिड्स जानते हैं आप लोग, एंट नाम से ही पता है, जो एसिडिटी को रिड्यूस करे, विच रिड्यूसेस, या विच एंटासिड विच रिड्यूसेस एसिडिटी, उनको एंटासिड कहा जाता है, जैसे पूछेगा इनको एंटासिड दे दो, एंटासिड वाले ड्रग्स को बनाया गया एंटासिड, एंटासिड को एंटीहिस्टामिन भी कहा जाता है बाद में, एंटासिड मतलब कुछ लोग इसे एंटीहिस्टामिन, पहले क्या है कि जो एसिडिटी का कारक होता है वो हमें नहीं पता, जैसे 1970 के आस पहले जो है, 1970 से पहले हमारे पेट में जब एसिडिटी होती थी, तो जैसे एसिडिटी कैसे होती है, हम नॉर्मल खाना खा रहे, नॉर्मल खाना खा रहे, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे, पता लगा कि अचानक हमने कहीं पर बाहर गए, कहीं पर समोसा छोला समोसा खा लिया, कहीं पर हमने पिज्जा खा लिया, कहीं बर्गर खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, तो पहले हमारी बॉडी क्या है कि हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग एससीएल प्रोड्यूस करता है उस खाने को तोड़ने के लिए, और जब हम थोड़ा हेवी खाना खाते हैं जिसको तोड़ना कठिन होता है, जो जंक फूड होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि थोड़ा ज्यादा एससीएल प्रोड्यूस करती है ताकि वो भी टूट जाए, डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी है वो डाइजेस्ट हो जाए, पर अगर लगातार हम खाना शुरू करते थे, हर अल्टरनेट पर खाना शुरू करते थे, तो फिर वो बॉडी को, बॉडी को पता चलता, अच्छा मतलब टेंशन नहीं लेना, ये खाए ना खाए, ज्यादा एसिड बनाना कभी खा सकता, इसका भरोसा नहीं है, कभी भी दो चार समोसे दबा सकता है, कभी भी बाहर खा सकता है, तो भैया एसिड तैयार रखो, नहीं तो फिर मामला क्या होगा गड़बड़, और फिर आपकी बॉडी में एसिड बनाने की टेंडेंसी बढ़ गई, डकार आना लगता है, पेट जलने लगता है, कच्ची डकार, और इसकी वजह से पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कई सारी और प्रॉब्लम्स होती है, तो मम्मी कहती है खाना अपच हो गया, खाना नहीं पच रहा है, दादी कहती है इसको खिला, सोडा के खाने का सोडा खिला, बाइकार्बोनेट खिला देते हैं, ये सब खिला देते हैं, या खाने में बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। अब सुनो, उसमें होता क्या है, जैसे आपके पेट ने 500 एसिड बनाया है, 500 एसिड, और आपने बाइकार्बोनेट खा लिया 500, हमारा पेट हमेशा थोड़ा सा एसिडिक रहता ही है, जानबूझ के एसिडिक रहता है, ताकि बाहर से कोई कीटाणु कोई बैक्टीरिया जाए तो मर जाए, और वो खाना भी टूटता है, तो हल्का एसिडिक रहता है माहौल, आपने बाइक, आपने बाइकार्बोनेट खा लिया, तो बाइकार्बोनेट को न्यूट्रल करने के लिए पेट के सारे एसिड जो होंगे वो रिएक्शन कर जाएंगे और ये बना देंगे NaCl और H2CO3, और H2CO3 होगा ये गैस बनकर बाहर निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा साथ में H2, ये आपके सेक्रेटरी सिस्टम द्वारा बाहर निकलेगा, थोड़ा आराम, अच्छा एसिडिटी से आराम मिला, अब जैसे पेट आपका ठंडा होगा, अब तो भूख लग गई है ना, वापस फिर से खा लेते हैं आप, तो फिर से एसिड बनाता, फिर से बाइकार्बोनेट खाते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट जब आप खाते हैं तो गिन के नहीं खाते कि पेट में 500 एसिड है तो 500 बाइकार्बोनेट खाएं या 400 खाएं, आप 600 बाइकार्बोनेट भी खा सकते हैं, 1000 बाइकार्बोनेट भी खा सकते हैं, तो जो एक्सेस बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे पेट को बेसिक बना देता है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हुआ ही नहीं, अब उस बेस को न्यूट्रल करने के लिए पेट और एसिड बनाता है, जा वहां बेस है, पेट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर बेस है, जा उसको खत्म करने के कुछ कर देगा, तो फिर एसिड और ज्यादा, तो पेट की एसिडिटी बनाने की टेंडेंसी बढ़ने लगती, क्योंकि पेट एल्कलाइन हो जाता, फिर धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती, पहले हमारा 100 ग्राम बाइकार्बोनेट या 10 ग्राम बाइकार्बोनेट से काम चलता था, फिर हमें 20 ग्राम बाइकार्बोनेट लगने लगता है, फिर 30 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 200, एक लिमिट के बाद आप खा भी नहीं सकते, और किसी दिन नहीं खाएं तो इतना ज्यादा एसिड बनता है कि वो हमारे पेट में वो डैमेज कर देता है, उसे छाले बन जाते, छाले पड़ने लगते, जिसे अल्सर कहा जाता है, पेट का अल्सर कहा जाता है।
कैंसर, पेट का अल्सर हो जाता है, फिर या तो ठीक होता है या तो बहुत जहरीला हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी टीचर आपको पार्टी दे, कुछ भी कहे, बोलो हम नहीं खाएंगे, हम तो सिंपली खाना खाएंगे। कभी भी कहे कि समोसे खा लो, कचौड़ी खा लो, बोला ना खुद खाओ, मैं क्यों खाऊं, बल्कि उसको खिला दो, लेकिन खाओ मत ना। अच्छा देखो, जो दुश्मन टीचर होगा वही आपको खिलाएगा कचौड़ी, याद रखेगा। तो खाना खाने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा जैसे मैं खाना खाता। अच्छा सुनो, अब प्रॉब्लम क्या हुई, 1970 से पहले जो है एसिडिटी का जो कारक होता था ये हमें पता नहीं होता था। जो एसिड बनते थे हम उसको पकड़ पकड़ मारते थे बाई कार्बोनेट खाके, उसे पेट में एल्केलाइन होता जाता था और नेगेटिविटी बढ़ती जाती थी पेट की और ज्यादा खराब होता जाता था। 1970 में डिस्कवर हुआ कि एक्चुअली जैसे कोई आतंकवादी बनते हैं, आतंकवादी दो तीन कंपनियां बना रही हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के आप मार रहे हो, स्लीपर सेल्स को मार रहे हो, आप उस फैक्ट्री को नहीं मारे जहां से आतंकवादी, वो पता ही नहीं चल गया आपको। तो 1970 में वो फैक्ट्री पता चल गई, वो कारक पता चल गया जहां से एसिडिटी क्रिएट होती है, उसका नाम होता है हिस्टामिन। यही वो हिस्टामिन है जो हमारी आपकी पेट में बनता है, आता है, तो जिसकी वजह से ये एमिनो एसिड का रूप है, जो प्रोटीन हम खाते हैं ना, जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड प्रोटीन होता है ना, उसका CO2 उड़ जाएगा, ये CO2 होता है, उसको हिस्टिडीन कहा जाता है, उसका CO2 उड़ जाता है, हिस्टामिन कहलाता है, इसको हिस्टामिन कहते हैं। तो उसका अधूरा पार्ट हिस्टामिन होता है, यही एसिडिटी करता है। ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन पे चिपक जाएगा सेल से। तो ये NH2 कहेगा भाई H+ दे दे, दे दे भाई H+, क्योंकि इसको किस चीज की हो सकता है, H+ इधर भी H+ की हो सकता है, इधर भी H+ की हो सकता है। तो ये एक मॉलिक्यूल तीन तीन H+ निकालता, इधर से निकाल लिया, एसिड ले भाई तो न्यूट्रल हो जाता, तो पेट में एसिड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो बाद में पता चला सारा एसिडिटी का जड़ ये हिस्टामिन, इससे डिप्रेशन भी होता है, एसिडिटी भी होती है, टेंशन भी होता है, पेट में दर्द होता है, समझ में आ गया। तो बाद में लोगों ने कहा इसी को मारो, ये नहीं होगा तो एसिड नहीं बनेगा। तो इसको मारने के लिए जो दवाई डिस्कवर हुई उसे कहा जाता है एंटा एसिड, या उसी को हम कहते हैं एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन कौन है, सिमेंटिडीन होता है, रेंटिडीन होता है, ये लोग इसके साथ मिलकर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनके बीच रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन आपको मैं नहीं बताऊंगा, हमारे अगर आपको देखना है ऐसे रिएक्शन को तो आपको मेरा रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा जहां पे ऐसे रिएक्शन दिए गए, लेकिन वो आपके काम का नहीं। अभी जब आप डॉक्टर बनिएगा आपको लगेगा, तो सब सीखिएगा अभी देखते जाओ। तो आपसे पूछो व्हाट इज, देखो एंटा एसिड तो ये एंटी हिस्टामिन भी होते हैं और एंटी नॉन हिस्टामिन भी होते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट होता है वो नॉन हिस्टामिन है, वो स्टीन को खत्म नहीं करता, लेकिन वो भी एंटा। तो एंटा एसिड दो प्रकार का होता है, एक हमारे पेट को एल्केलाइन बना देता है, जो खाने का सोडा होता है, ये आपने लिखा होगा इसमें कहीं लिखा होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमच, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमच कॉजेस इरिटेशन एंड पेन इन सीवियर केसेस, है ना, अल्सर डेवलप, कुछ केसेस में अल्सर बन जाता है। अंटिल 1970 ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटा एसिड सच एज सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका प्रयोग करते थे। ये 1970 का में प्रयोग करते थे एंटा एसिड के रूप में। 1970 से पहले एंटा एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थे पक्का। 1970 के बाद एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के सुनाना है आपको, बताओ हाउ एवर एक्सेसिव, इसमें लिखा फिर भी एक्सेसिव हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कैन मेक स्टमक एल्केलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड, पेट को ये बेसिक बना देता है और एसिडिटी को बनाने में और इसे ट्रिगर कर देता है ना। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टीस, हालांकि इसके स्थान पर मेटल हाइड्रोक्साइड बेटर बिकॉज द बीइंग इनसॉल्युबल दिस डू नॉट इंक्रीजेस द पीएच अबव द न्यूट्रलिटी, छोड़ो इसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट आगे मेजर ब्रेकडाउन, मेन ये है मेजर ब्रेकडाउन इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी की ज्यादा एसिडिटी को ट्रीटमेंट में केम थ्रू द डिस्कवरी ऑफ अकॉर्डिंग टू विच द केमिकल हिस्टामिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पता चला कि जो हमारे बॉडी में पेप्सिन और एसिडिटी बनती है उसका कारण है हिस्टामिन। ये यहीं पर बस इस डिस्कवरी के बाद फिर इसी को एसिड द ड्रग्स सीमेंट, इसके बाद द ड्रग सीमेंटिडीन जिसका नाम टीगामेंट होता है वाज डिजाइन टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन, मतलब इस हिस्टामिन को प्रिवेंट करने के लिए पहली दवाई बनाई गई जिसका नाम क्या था सीमेंटिडीन, और इसका एक और नाम है सीमेंटिडीन का टीगामेंट भी कहते सीमेंटिडीन। और ये उस समय 1970 में रिवोल्यूशन लाई, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग्स बन गई है डॉक्टर बारे आगे एसिडिटी खत्म करने के लिए, आगे एसिडिटी लोग सुबह शाम खाने आ तो बहुत सारे पेंटाप्राजोल होता है, रेबीप्राजोल होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो चुकी है। नेक्स्ट टू प्रिवेंट इंटरेक्शन विद रिसेप्टर इन द प्रेजेंट इन स्टमच वॉल, ये क्या करता है इसके साथ बाइंड अप कर लेता है, तो इसको हमारे पेट के रिसेप्टर सेल से चिपकने से रोक देता है। आप अच्छा ज्यादा जानते हो मेरे से, अच्छा तो आप जानते हो रिसेप्टर वगैरह क्या होता है। नेक्स्ट दिस रिजल्ट क्या लिखा, दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रग्स वाज सो मच दैट इट रिमेन्ड द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग्स इन द वर्ल्ड अंटिल अनदर ड्रग्स रेंटिडीन जेंटेक वाज डिस्कवर। जैसे रेंटिडीन और जेंटेक डिस्कवर हुआ तब तक दुनिया में छा गई, इसका मालिक तो करोड़पति हो गया, करोड़पति करें क्या, करोड़पति तो आजकल तो डॉक्टर भी हो जाते हैं सब, है ना, टीचर तो बेचारे हजारपति हैं, सब हजारपति ही रहेंगे, है ना। हिस्टामिन इस अच्छा और भी जो एंटी हिस्टामिन्स हैं ये भी हैं, क्या लिखा ब्रोमोफेनिरामीन और क्या है टर्फिनाडीन सिल्डेन। लेकिन आपसे पूछा जाता है ये ड्रग्स का नाम सीमेंटिडीन इज एंटा एसिड या ऐसे कुछ लिख देगा ये एनल्जेसिक एंटा एसिड, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को एक दो बार याद कर लें तो अच्छा रहेगा। देखो इसमें तो अच्छा नहीं याद करना चाहते तो सिर्फ नाम याद कर लो। अब देखो कोई भी टीचर कुछ भी करके इस स्ट्रक्चर को याद तो नहीं करा सकता ना आपको, स्ट्रक्चर को कौन याद करेगा बताओ आप ही। ओके जब 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 अगर इच्छा 720 की हो तो स्ट्रक्चर याद कर लेना चाहिए। देखिए हम तो ये तभी पढ़ा रहे हैं जब हमारी इच्छा है कि आप 720 नंबर लाएं, नहीं तो हम कहते पढ़ लेना, हम क्या कहते हैं आपसे पढ़ लेना, हमें पता है कि आप पढ़ोगे नहीं, तो हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं ठीक है। ये ब्रोमो फेनिरामीन और भी इसके अलावा भी एक दो होंगे। व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेटर्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम को लिए यूज होते हैं, रिपेयर करते हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल ड्रग कहा जाता है। जनरली कभी नर्वस सिस्टम की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कहा जाता है। डिप्रेशन वगैरह भी इनमें आता है, तो एंटी डिप्रेशन जो होते हैं वो एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है ट्रांसक्यूलाइजर्स, ट्रांसक्यूलाइजर आर द एनर्जेसिक, ट्रांसक्यूलाइजर एंड एनर्जेसिक आर द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। मतलब एक तो ट्रांसक्यूलाइजर होता है, एक एनर्जेसिक होता है, दोनों ही नर्वस सिस्टम के लिए क्या एक्टिव ड्रग्स होते हैं। दीज अफेक्ट द मैसेज, मतलब मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म मैसेज ट्रांसफर को अफेक्ट करते हैं ट्रांसक्यूलाइजर और ये जो होते हैं। और इनका यूज कहाँ होता है याद रखिएगा, ये एक्चुअली एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी कहलाते हैं, और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स नाड्रिल और ये आइप्रोनियाजिड, ऐसे कुछ आप नाम याद करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आइप्रोनियाजिड इज एंटा एसिड या एंटी डिप्रेशन या ट्रांसक्यूलाइजर है, तो क्या बोलेंगे इट्स ए ट्रांसक्यूलाइजर। अब इतने सारे दवाई को आप पहले याद करने वाले, कुछ अभी याद कर लो भाई, डेढ़ महीने बाद तो जाओगे मेडिकल कॉलेज में,
हालांकि डेढ़ महीने जब जाओगे तो पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर यही SN1 SN2 E1 E2 यही सब पढ़ना पड़ेगा, वहां पर भी ऑर्गेनिक आएगा, मतलब एक सेमेस्टर तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उदास हो गए कि वहां भी ऑर्गेनिक से जो है ठीक है बेसिक कम फिजिक्स कम होगा, केमिस्ट्री थोड़ा ऑर्गेनिक इसलिए होती है क्योंकि ड्रग्स मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो ड्रग्स और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के किस ड्रग्स में यूज होते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आगे डॉक्टर्स भी डिस्कवरी कर सकें। अच्छा नेक्स्ट, सम ट्रांसफ्यूलाइजर्स, इनके ये भी ट्रांसफ्यूलाइजर्स हैं, लिख लेना, ये हाइपर टेंशन वगैरह को रिलीज करते हैं टेंशन। तो अभी आप नेक्स्ट, ये भी ट्रांसफ्यूलाइजर है, एनर्जेटिक बिट न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होता है, तो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसफ्यूलाइजर जो डिप्रेशन वगैरह को टेंशन को दूर करते हैं, एक जो दर्द को दूर करते हैं, दर्द हो पर डिप्रेशन ना हो उसको प्योर एनर्जेटिक, दर्द के साथ डिप्रेशन हो तब तो दोनों इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। एनर्जेटिक पेन किलर क्या होते हैं बताओ, पेन किलर कौन कौन से हैं, एनर्जेटिक रिड्यूसेस द क्या लिखा, एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग द क्या लिखा इंपेयरमेंट, ओके ठीक है, मतलब जो पेन को दूर करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन नॉर्कोटिक जो आप लोग यूज करने वाले हैं, जो आप मेडिसिन लिखेंगे पेशेंट को जो है जिसमें आता है जैसे आप एस्पायरिन आता है, पैरासीटामॉल आता है, ये सब नॉन नॉर्कोटिक दवाइयां होती हैं, और एक होती है जो आपके लिए वैन है, सबके लिए वैन होती है, सिर्फ इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, उससे दवाई, अच्छा ये दवाई भी दिया जाता है, ये वाली दवाई भी दिया लेकिन डॉक्टर की पर्ची पर मिलता है, किसी किसी दवाई के कॉम्बिनेशन में होता है, इसकी जो खेती की जाती है ना यहाँ पर मंदसौर वगैरह में जाएंगे इसकी खेती की जाती है ना, तो ये कुछ ये नार्कोटिक्स मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन बनाने के काम में आता है, ये नहीं कि उसे चीले में फूंक करके दम मारो दम बोलो, है ना, तो ये आपका है नार्कोटिक्स एनर्जेटिक। अच्छा ये बहुत नुकसानदेह होता है, दिस एनर्जेटिक ये इसकी ज्यादा मात्रा में इंसान की जो है डेथ हो जाती है, इसके कुछ एग्जांपल मतलब जिसको लेने के बाद पुलिस पीछे पड़ जाए जेल हो जाए वो आपके क्या है नार्कोटिक्स है, इसके लिए नार्कोटिक डिपार्टमेंट बना हुआ है कि ये नहीं यूज हो, अभी शाहरुख खान के बच्चे ने लिया था कुछ दिन जेल में, उसने बिताया था वो यही ड्रग्स लिया था, इसमें मार्फिन आता है, हीरोइन आता है, कोकीन। स्ट्रक्चर याद करने का तरीका, मार्फिन में दोनों OH होता है और हीरोइन में दोनों एसआई ग्रुप अटैच होते हैं, और जो कोकीन होता है उसमें एक ईथर एक OH होता है, ये OH और ईथर, बाकी सब कुछ क्या होते हैं सेम, इसमें अल्कोहल, इसमें फिनॉल, अल्कोहल, ईथर और 3-amine तीनों फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें एस्टर, ईथर और एमाइन प्रेजेंट होता है, इसमें अल्कोहल, ईथर और एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, हीरोइन इसी में आता है, कोई भी हीरोइन, हाँ हीरोइन इसी के अंदर रहती है, वो भी डबल एसी चाहिए, मार्फिन तो चलेगा ये तो लोकल आदमी है ना, तो लेकिन हीरोइन किसमें रहेगी, फुल एसी, डबल एसी के साथ रहती है ना, डबल एसी चलता है तब, क्योंकि हीरोइन बहुत उसको गर्मी लगती है। अच्छा आपने लैंग्वेज चेंज कर दिया, मैं हॉट नहीं बोला, मैं बोला कि हीरोइन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, जब हमारे बॉडी में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इनका अटैक होता है तो उससे बचने के लिए जो दवाई हो जाता है उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल। ये दो प्रकार का होता है, एक एंटीबायोटिक होता है जो एक होता है एंटी सेप्टिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए अंदर और हमारे अंदर की इम्यून सिस्टम को जगाना हो, आपको जो हमारे अंदर के फाइटर्स हैं वो आए और उस बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारे, तो उसके लिए हम क्या खाते हैं एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए खाया जाता है, समझ में आ गया, हालांकि इसका ज्यादा खाना हमारे शरीर के लिए क्या होता है नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक इसे कह सकते हैं, ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है जो आप डिटॉल जैसे घर पोछा झाड़ू पोछा करेंगे फ्यूचर में जाके, है ना। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी हो सकते हैं। अच्छा नौकर चक्कर आप करेंगे तो याद रखिएगा, ये कुछ हैं जो आपके एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है जब आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो नेक्स्ट, पेनिसिलिन वगैरह की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था, किसी को मिला था क्या, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन के डेवलपमेंट के लिए इनको मिला था, मैंने जनरल नॉलेज में पढ़ा था मुझे याद आ गया। नेक्स्ट, क्लोरामफेनिकोल वगैरह आपने सुना होगा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन भी सुना है। अच्छा, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, चोट लग गई उसको आपको पहले डिटॉल से साफ करते हैं, फिर उसमें आप कुछ मरहम लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ठीक होता है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया फंजाइस पर अटैक न करें और प्रॉब्लम क्रिएट न हो, तो उनको क्या कहा जाता है एंटीसेप्टिक कहा जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक में कौन कौन से आते हैं, जनरली इसमें अल्कोहल और फिनॉल ग्रुप होते हैं, जनरली ऐसे आपने देखा होगा, या ईथर भी हो सकते हैं, जैसे ये इसका नाम है क्लोरो, देखो ये इसका नाम क्या, ये जाइलिन मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन में क्लोरो लगा दो और ऑल लगा दो तो क्लोरो जाइनिलियॉल एक ही होता है, इसका नाम टर्पिनियॉल होता है। अच्छा दोनों को मिला दो, एक फिक्स रेशियो होता है मुझे याद नहीं है, दोनों को मिला दो तो डिटॉल बन जाता है, जानते हैं आप लोग। बिथिनियॉल भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट होता है, इसमें आप देखिए क्लोरो और OH ग्रुप, ये इनका डिसइंफेक्टेंट नेचर जो होता है वो क्लोरीन और OH की वजह से होता है। आपने पढ़ा ना अल्कोहल जो आप यूज करते थे अभी कोरोना में बोलते थे ना, वो 70-80% अल्कोहल होता था जो सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग करते थे ना, वही एक आदमी सोचा कि कोरोना अंदर गया होगा डिसइंफेक्ट पी लेते हैं कोरोना का पेशेंट मर जाएगा, मर भी गया, ऐसा केस हुआ। अच्छा जो अल्कोहल आप लोग पीते हैं बॉडी में वो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है, 4%, 8%, 12%, 16% ही होता है। बियर क्या होता है, भालू, बहुत जानकारी रखे हैं, बियर में 4% होता है, जानते हैं आप। अच्छा ठीक है, ये डिटॉल लिखा, डिटॉल इज द मिक्सर ऑफ क्लोरो जाइनिलियॉल एंड टर्पिनियॉल, पेपर उठा के देखो बार बार पूछा गया। आपने पढ़ा सोफ्रामाइसिन, मम्मी बोलते सोफ्रामाइसिन ला रहे, लगा दे चोट लगी इसको सोफ्रामाइसिन का इंजेक्शन, ये सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, नहीं चोट कहीं से खेल के आते थे चोट लगाते थे पहले दो टप्पड़ लगाते थे और खेलने जाएगा इसके बाद फिर सोफ्रामाइसिन लगाते थे। मैं तो पहले पिटता था, पिटने के बाद फिर दवाई ला जाता था। हेलो, हाँ गुप्ता सर, नहीं किया, चेक ले लीजिए आप। हेलो, हाँ डिसइंफेक्ट तो आप जानते हैं, फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के लिए जो यूज होता है डिसइंफेक्टेंट होता है, लाइजॉल वगैरह, हार्पिक वगैरह जो भी होता है मुझे याद। अच्छा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जनसंख्या कंट्रोल के लिए जो यूज होता है उसको कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जानते हैं, ओके ये आप जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, केमिकल इन फूड, अब डॉक्टर बनेंगे तो जान जाएंगे। आगे
आगे आपको डॉक्टर बनेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है पढ़ें। अच्छा कुछ आर्टिस्ट बात नहीं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड में भी यूज होते हैं, जैसे फूड ऑर्डर के लिए यूज होते हैं, अलग अलग ऑर्डर के फूड बनते हैं, है ना, फ्लेवर के लिए भी केमिकल यूज होते हैं, है ना, और उनके फ्लेवर के इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड होते हैं जो हमारी आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं जो लंबे समय तक उनको प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि जो पैकिंग में आजकल बनते हैं उसमें केमिकल के साथ ही मिक्स करते हैं, नहीं तो खराब हो जाए। पता लगा कि कोई फूड आपका 15 दिन पहले, पहले के फूड क्या होता था, सुबह का लोग शाम को नहीं खाते थे, आजकल आज पैक हो रहा है एक महीना बाद खा रहे, समझ में आ गया, तो इन्हीं की मदद से होता है। आर्टिफिशियल कुछ स्वीटनर होते हैं जो स्टार्च होता है, जो शुगर होता है, बात नहीं, उसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज से पेक्टिन या हमारा ग्लाइकोजन बन जाता है, ग्लाइकोजन हमारे लीवर में ज्यादा हो जाता है तो ब्लड शुगर करता है। तो अब उसको दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, वो मीठे तो है लेकिन उससे पेक्टिन या ग्लाइकोजन नहीं बनता, उससे ग्लूकोज नहीं बनता, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये चार है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी मेन का जो स्वीटनेस है वो सुक्रो चीनी की तुलना में कंपेयर किया गया, तो जो पहला है एस्पार्टेम ये 100 गुना मीठा होता है चीनी से, सैक्रीन जो होता है 550 गुना मीठा होता है, और सुक्रालोज जो होता है 600 गुना मीठा होता है, और एलिटेम जो होता है 2000 गुना मीठा होता है, सबसे मीठा। तो आपसे पूछा सकता है कि सबसे मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनर, सबसे मीठा कंपाउंड एलिटेम, सबसे कम मीठा कंपाउंड जो चाह रहे हैं एस्पार्टेम, और याद रखना और सुक्रोज इससे भी कम। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फ्रक्टोज, और सबसे कम मीठा कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर, सबसे कम मीठा मिल्क शुगर, सबसे ज्यादा मीठा चीनी में उपस्थित फ्रक्टोज है, समझ में आ गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, अच्छा सुक्रोज होता है आपने पढ़ा है, सुक्रोज का जो ओएच है, बात नहीं, सुक्रोज में जो ओएच है उसके स्थान पे सीएल कर दें किनारे वाले, जो वन पोजीशन, और ये फ्यूरेन के वन पोजीशन सिक्स पोजीशन और ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर, सॉरी पहला दूसरा तीसरा हाँ चौथा, तो तीन कार्बन का ओएच अगर सीएल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो सुक्रालोज बन जाता है। सुक्रोज के तीन कार्बन का ओएच अगर आप रिप्लेस करते हैं, इसमें वही सारे बॉन्ड होते हैं जो सुक्रोज में पाए जाते हैं, बस फर्क क्या होता है तीन जगह पर ओएच हटा के सीएल लगा दो बस, तो ये सुक्रालोज, सुक्रोज से ही सुक्रालोज बना। अच्छा ये एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन को मिलाने से जो डाइमर जो बनता है उसे बोलते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का डाइमर होता है, ये डाइमर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन, देखो इसका नाम एस्पार्टेम होता है, ये एस्पार्टिक एसिड है और साथ में क्या है ये फिनाइल एलानिन एस्पार्टेम, समझ आ गया, तो याद रहेगा आपको। अब आपसे पूछे फंक्शनल ग्रुप तो तुरंत समझना, एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप होगा और फिनाइल एलानिन में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, या ये एरोमेटिक, किसमें एरोमेटिक करेक्टर होगा, सुक्रालेज में एरोमेटिक करेक्टर होगा या एस्पार्टेम में होगा, एस्पार्टेम में, क्योंकि उसमें फिनाइल एलानिन है ना, तो फिनाइल जो बेंजीन होगा वो एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा। तो इसमें एस्टर बॉन्ड होता है और एसिड भी होता है, एमाइन भी होता है, एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें एस्टर बॉन्ड भी होता है, इसमें बेंजीन रिंग भी होती है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। तो अगर इसका कभी सोडा एस्पार्टेम का सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन कराएंगे तो यहां से CO2 का इफर्वेसेंस भी निकलेगा, कभी इसका डायजोटाइजेशन कराएंगे तो डायजोनियम आयन भी बनेगा क्योंकि यहां NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, कभी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन कराएंगे तो इसके बेंजीन पर अटैक भी होगा, इस पर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल भी प्राप्त होगा, मतलब इसके अंदर कई सारे। अच्छा ये सैक्रीन, क्या नाम इसका, सैक्रीन ये है, ये अगर हम ये कंपाउंड होता है इसका नाम होता है 2-carboxysulfonic एसिड, इसे याद रहता है सैक्रीन, ठीक है, इनको हीट करने H2O बन जाता है तो निकल जाती है सैक्रीन बन जाता है। सुक्रालोज कहां से बनता है, सुक्रोज का OH हटा के CL लगा दो, तो अब सुक्रोज आपको याद है ना, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ईथर होगा, अल्कोहल होगा और हैलाइड होगा, तीन फंक्शन ग्रुप होगा। अब आपसे पूछे कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, तो हैलोजन होगा, OH होगा और ईथर भी होगा, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, एमाइड होगा, एसिड होगा, एस्टर होगा, सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अच्छा एलिटेम भी एमिनो एसिड से मिला हुआ, देखिए इसमें कई एमिनो एसिड है, ये वाली एमिनो एसिड, ये भी एमिनो, देखो एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो यहां पर एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट, ये एस्पार्टिक नहीं, ये ग्लूटारिक एसिड है, ये ग्लूटारिक एसिड है, एस्पार्टिक है, अच्छा दो ही कार्बन है, तो एस्पार्टिक, अच्छा एस्पार्टिक एसिड, इसमें भी एस्पार्टिक एसिड है, ये एस्पार्टिक एसिड ASP, ये एलानिन, ये एस्पार्टिक एसिड है, ये एलानिन, और इधर NHCO, ये ग्लाइसिन और सल्फर से मिलकर बना हुआ, NH2 CH2 COOH से बना हुआ कुछ कंपाउंड है, तो याद रखना ये ये, और प्लस ये मतलब ग्लाइसिन बना के फिर उसे चेंज करते हैं, ग्लाइसिन है नहीं इसमें, तो जो अगर इम्यूनो एसिड किया जाए तो इसमें एस्पार्टिक और क्या है बताओ, एलानिन, एस्पार्टिक और फिनाइल एलानिन लेंगे तो वो कम मीठा होगा, एस्पार्टिक और एलानिन लेंगे प्लस उसमें थोड़ा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है तो एलिटेम बन जाता है, एलिटेम सबसे मीठा होता है, ओके एस्पार्टेम लिखा हुआ, एलिटेम सुक्रोज, या इसके बारे में इट्स अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, शुगर जैसे होता है, इट्स स्टेबल एट कुकिंग टेंपरेचर, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, इसे कैलोरी नहीं बढ़ती, मोटापा नहीं बढ़ता है ना, एलिटेम एस्पार्टेम लिखा हुआ। फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं इनका यूज होता है ना, इनको फूड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, जो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्लींजिंग एजेंट, जो सफाई के काम आते हैं उसको, वो कैसे होते हैं, हमने आपको बताया था एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस जो होती है, एस्टर की जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस बनते हैं तो जो सॉल्ट बनता है ये सोफ होता है, लेकिन ये हायर एसिड, ये एसिड क्या होना चाहिए बताओ, हायर एसिड का मतलब ये C17 यहाँ पर क्या है C17 और ये साथ में क्या लिखा C17, तो हायर एसिड का जो मतलब हायर मॉलिक्यूलर मास का जो एस्टर्स होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोफ का फॉर्मेशन होता है, इसे सपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, इसमें जो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो रिड्यूस प्रेशर करके इसको सेपरेट करते हैं, आपको बताया गया होगा उसमें, आगे हम आगे बताएं। सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो उसे हम केटाइनिक कहेंगे, एनाइन है तो क्या बोलेंगे, एनाइनिक, एक बार इसे पढ़ लेना प्लीज, है ना, केटाइनिक और एनाइनिक डिटर्जेंट, ये है केटाइनिक और एक एनाइनिक, इसमें कौन से पार्ट है, केटाइन हो तो केटाइनिक बोलेंगे, एनाइन हो तो एनाइनिक, देखिए यहां पर SO3 माइनस में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, एनाइनिक डिटर्जेंट, केटाइनिक सॉरी एनाइनिक हो गया केटाइनिक, ये डिटर्जेंट में केटाइन चार्ज है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसे क्या कहेंगे आपको, केटाइनिक डिटर्जेंट, छोड़ो यार सब,
वैसे नहीं आता, डिटर्जेंट वगैरह नहीं आता। आपके एग्जाम में सिर्फ एंटासिड आएगा, ट्रांसक्यूलाइजर आएगा। आपके एग्जाम में क्या क्या रखना है, एंटासिड कौन कौन से हैं, ट्रांसक्यूलाइजर कौन कौन से हैं, एनएलजीसी कौन कौन से हैं, नार्कोटिक दवाई कौन सी है, नार्कोटिक दवाई कौन सी है, बस इनमें से एग्जांपल पूछे जाते हैं, या आप इसे चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म।